हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल राउरकेला भर्ती 2022। जो भी मैंने आप लोग को वीडियो अपलोड किया है कि सेल राउरकेला के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन आई है, जिसके अंतर्गत 10th ITI डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट ट्रेनिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा खासा पद आया दोस्तों। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि सेल राउरकेला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया दोस्तों। नोट में मैंने क्या लिखा है आप लोग देख सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पर है फ्रेंड्स, क्या अब इंजीनियर के लिए हाइट जरूरी है, दिमाग नहीं? यह बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि यह इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिख दिया नोटिफिकेशन में कि फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अपने हाइट की बात करूँ तो मेरा हाइट है 152 सेंटीमीटर, ठीक है, मेरा हाइट है 152 सेंटीमीटर। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका भी हाइट 155 सेंटीमीटर से कम होगा, तो उनके लिए क्या होगा फ्रेंड्स, वो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे या नहीं? अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे और मान के चलिए उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उनको मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फ्रेंड्स यहां पर से हटा दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके कि अब इंजीनियर के लिए हाइट जरूरी हो गया है, दिमाग नहीं? क्योंकि फ्रेंड्स, पिछला बार मैंने आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे, मेरे सब्सक्राइबर होंगे मेरे बहुत दिन से, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पिछला बार जब बोकारो स्टील प्लांट का वैकेंसी आया था, उसमें भी आप लोगों का हाइट मांगा जा रहा था 155 सेंटीमीटर। बट मैंने फॉर्म भरते समय वह ध्यान नहीं दिया था कि 155 सेंटीमीटर हाइट खोजा रहा है, तो मैंने फॉर्म भर दिया, ठीक है, और मैंने एग्ज़ाम भी दे दिया। मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर यह भी था कि उससे पहले एक और वैकेंसी आई थी सेल बोकारो का है, जिसमें OBC कैंडिडेट को OBC कैटेगरी के लिए हटा दिया गया, यानी उन्होंने क्लियरली यहाँ पर नोटिस कर दिया कि जो 2019 वैकेंसी आई थी उसी हिसाब से आप लोगों का OBC सर्टिफिकेट माना जाएगा। ऐसा तो सेंट्रल वैकेंसी में नहीं होता है। अब कोई भी स्टूडेंट मान के चले अभी फॉर्म भरा गया होगा, ठीक है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि मान के चलिए उस लोग सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो लोग OBC बना के रखेंगे, ठीक है, जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा था। तो पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, तो मेरे एक दोस्त का यहाँ पर सिलेक्शन हटा दिया गया था, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गया था तो उसका OBC सर्टिफिकेट 2019 का नहीं था, तो उसको वहाँ पर से हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स, उस समय मैंने फॉर्म भरा था जनरल कैटेगरी से, तो मैंने जब जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा तो मुझे लगा कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने एग्ज़ाम दिया था जो 15 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों को पता होगा, उसका स्किल टेस्ट के बारे में मैंने बताया था कि मैंने स्किल टेस्ट दिया है। जब मैंने देखा कि मेरा कैटेगरी UR है, तो फिर मुझे जब मैं एडवर्टाइजमेंट देखा तो मुझे एकाएक नज़र आया कि 155 सेंटीमीटर हाइट खोजा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए बहुत ही यहाँ पर सिर दर्द हो गया कि अब मैं क्या करूँ, मेरा हाइट तो 152 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हाइट मांगा जा रहा है 155 सेंटीमीटर। तो मैंने मन बना लिया दोस्तों कि मैं जाऊंगा, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया, मान के चलिए स्किल टेस्ट मैंने दिया था, मैंने सोच रहा था कि जैसे ही अगर मान के चलिए मेरा स्किल टेस्ट क्लियर, मेरा फाइनल मेरिट आ जाता है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड में जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मन बना लिया था कि मेडिकल स्टैंडर्ड में मैं जाऊँगा, अगर वो लोग मुझे डिसक्वालीफाई करते हैं तो मैं इस बात को हाई कोर्ट तक ले जाऊँगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा हो गया है। अब इंजीनियर के लिए हाइट जरूरी है, दिमाग नहीं? एक ऐसा भाई, कोई भी स्टूडेंट अगर मान के चलिए जिनका हाइट कम है, ठीक है, तो वो लोग टेक्निकल डिग्री लेते हैं, किस लिए? क्योंकि उनको टेक्निकल में फ़ायदा मिलता है। जैसे अब आपका हर जगह, अधिकतर जगह तो आपका हाइट मांगा जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप लोगों को तक सभी दोस्त जानकारी पहुँच सके और सभी दोस्त अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें कि इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। ज़रूर से ज़रूर अपना राय दें दोस्तों कि इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना जरूर राय दें कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रिक्रूटमेंट बोर्ड तक यह बात पहुंच सके।